Hello students, how are you? I hope you all are fine. In our previous lecture, we have started unit 11 and we have done the page number 115 and page number 117 in our book. That is up to some 2 of worksheet 1. Now we will do the other question related to the worksheet 1. These are the questions related to fractions. So now we will start from the next question. Question 3, page number 118. What we have to do in this question? Match the following. क्या करना है हमें यहाँ पे मैच करना है कि कुछ हमें लेफ्ट साइड में फिगर्स दे रखी हैं और राइट साइड में हमें कुछ टर्म्स दे रखी हैं, तो हमें इनको मैच करना है. अब देखो, टू फोर्थ का मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर में तो क्या आ जाएगा, टू, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, फोर्थ, मतलब फोर. जब भी हम इस नंबर को प्रोनाउंस करते हैं, फ्रैक्शनल नंबर को, तो न्यूमरेटर तो सिंपल जो नंबर है वो वैसे बोला जाता है, बट जब डिनोमिनेटर को हम बोलते हैं तो उसको फोर नहीं बोलेंगे, फोर्थ बोलेंगे एज अ ऑर्डिनल नंबर. टू को तो टू ही बोला है ना, सिंपल बोला है, बट फोर को हमने फोर नहीं बोला, क्या बोला है, फोर्थ, एज अ ऑर्डिनल हम इसको यूज करते हैं. अब टू सेवन्थ है, तो टू सेवन्थ मतलब टू बाय सेवन. थ्री सिक्स मतलब थ्री बाय सिक्स. नाइन सिक्सटीन्थ मतलब नाइन बाय सिक्सटीन. फोर सेवन्थ मतलब फोर बाय सेवन्थ. अब हमें मैच करना है. देखो, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें तो फर्स्ट फिगर में देखो टोटल कितने हैं बॉक्सेस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो टोटल तो है सिक्स. अब इसमें से शेडेड कितने हैं, थ्री, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बननी चाहिए, थ्री बाय सिक्स. तो थ्री बाय सिक्स देखो कहाँ है, ये है ना थ्री सिक्स, तो इसको इससे मैच कर देंगे. नेक्स्ट ऐसे ही इसको देखेंगे, टोटल कितने हैं हमारे बॉक्सेस, फोर, फोर पार्टीशंस में हैं, जिसमें से शेडेड कितने हैं, टू, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी इसकी, टू बाय फोर. टू आउट ऑफ फोर है ना, तो मतलब टू बाय फोर, तो टू बाय फोर को क्या बोलेंगे, टू फोर्थ. टू फोर्थ सिमिलर है, देखो टोटल इसमें अगर हम काउंट करें सर्कल्स कितने हैं, 16 है टोटल. अगर आप इसको काउंट करके देखोगे टोटल 16 है. अब जिनमें से शेडेड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो शेडेड तो हो गए 9 कितने में से, 16 में से, यानी कि 9 आउट ऑफ 16, तो मतलब 9 बाय 16, मतलब 9/16, तो इससे मैच हो जाएगा. सिमिलर है, देखो शेडेड कितने हैं, 4, और टोटल कितने हैं, 7, तो मतलब 4 बाय 7, मतलब 4/7. नेक्स्ट शेडेड कितने हैं, 2, और टोटल कितने हैं, 7, तो मतलब 2 बाय 7, मतलब 2/7. क्लियर है. नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ फिगर्स इंडिकेट द फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेडेड फिगर इन ईच. हमें कुछ कलेक्शन दे रखी है फिगर की, जिसको हमें फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है शेडेड फिगर्स का. तो अब आपको दिख रहा है कि इसमें शेडेड तो कितनी है, 1, और टोटल फिगर अगर आप काउंट करोगे तो कितनी है, 5, तो मतलब 1 आउट ऑफ 5, मतलब 1/5. नेक्स्ट में भी देखो सेम है, शेडेड कितने हैं, 3, शेड मतलब जिसमें कलर कर रखा है, 3 हैं, और टोटल सारी फिगर्स कितनी है, 7, तो मतलब 3/7. नेक्स्ट है देखो, शेडेड फिगर्स कितनी है, 1 2 3, और टोटल फिगर 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 फिगर्स शेडेड हैं आउट ऑफ 6, तो मतलब 3/6. नेक्स्ट है देखो, शेडेड कितने थे, 2, तो न्यूमरेटर में तो आ गया 2, और टोटल आप काउंट करोगे तो कितनी फिगर्स हैं, 8, मतलब 2/8. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, राइट द फ्रैक्शन इन वर्ड्स फॉर ईच. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. हमें इनको वर्ड्स में लिखना है. कैसे लिखना है, देखो 3/5. अब 3/5 को मैंने आपको बताया था, जो ऊपर वाली टर्म होती है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाली को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर वाले टर्म को तो सिंपल हम जैसे 3 है तो 3 बोलेंगे, 2 है तो 2, 7 है तो 7, बट जो डिनोमिनेटर वाले टर्म है 5 को 5 नहीं बोलेंगे. एज अ ऑर्डिनल 5 को कैसे बोला जाता है, 5th. 7 होता तो क्या बोलते हैं, 7th. 9 होता तो 9th. ऑर्डिनल नंबर आप सबको आते हैं, तो एज अ ऑर्डिनल बोला जाएगा डिनोमिनेटर वाला नंबर. तो ये क्या बन जाएगा, 3/5. नेक्स्ट ये क्या बनेगा, 5/7. नेक्स्ट 8/9. 6/13. 9/10. 10/19. ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट द पेज नंबर 118 एंड 119 इन योर मैथ्स बुक. थैंक यू.